गुजरात में जन आक्रोश रैली में हार्दिक पटेल को चांटा मारने से हड़कंप। आखिर चुनावी सभा में किसने मारा हार्दिक पटेल को थप्पड़? एक और जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का काम अपने चरम पर है, चुनावी प्रचार के दौरान नेताओं की बदजुबानी तो बदस्तूर जारी है, लेकिन इन सब के बीच जूता कांड से लेकर थप्पड़ कांड का शोर भी सुनाई देने लगा है। हाल ही में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता वार हुआ था और अब गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक जनसभा के दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पर एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल हार्दिक पटेल गुजरात के सुरेंद्र नगर के भड़वान में जन आक्रोश सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच एक शख्स अचानक मंच पर उनके पास आता है और जोर से थप्पड़ मारता है। इस घटना के बाद सभा स्थल पर हंगामा शुरू हो गया। वीडियो में हार्दिक पटेल और पिटाई करने वाले शख्स के बीच नोकझोंक देखने को मिली। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे एक शख्स मंच पर पहुंचकर हार्दिक को चांटा मार रहा है। इस दौरान मंच पर मौजूद लोगों ने शख्स को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने शख्स के कपड़े तक फाड़ दिए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह शख्स को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। चांटा मारने वाले इस शख्स की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर थप्पड़ कांड के बाद हार्दिक पटेल ने बीजेपी को हमले के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझ पर हमले करवा रही है, वो चाहते हैं कि मुझे मार दिया जाए, लेकिन इन हमलों पर हम चुप नहीं रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि घटना के बाद हार्दिक पटेल ने खुद शख्स को छोड़ने के लिए कहा। इससे पहले पंचमहाल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा था कि जिले का युवा बीजेपी से रोजगार के नाम पर ठगा महसूस कर रहा है। युवा कहता है, हमने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अच्छी और सस्ती शिक्षा और सम्मान के साथ रोजगार दे दीजिए, लेकिन बीजेपी सरकार ये देने में नाकाम रही। मुझे भरोसा है कि इस बार भी उत्तर गुजरात से सभी लोकसभा सीट कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी के राज में डेयरी उद्योग में भ्रष्टाचार सीमा से पार है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल गुजरात में पाटीदार आंदोलन के बड़े युवा नेता हैं और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कानूनी पेंच की वजह से वो लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।